हेलो स्टूडेंट, छत्रपति शिवाजी आईटीआई के इस यूट्यूब चैनल पर मैं फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं। और आज मैं फिर आपके लिए एक नया विषय और एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। और आज का भी जो हमारा टॉपिक रहेगा वो आइसोमेट्रिक से संबंधित ही रहेगा। आइसोमेट्रिक के ऊपर हम ज़्यादा फोकस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो क्वेश्चन होता है ड्रॉइंग के पेपर में जो सबसे ज़्यादा मार्क के जो क्वेश्चन पूछा जाता है, 30 या 35 मार्क के लिए जो क्वेश्चन पूछा जाता है, वो यही क्वेश्चन होता है आइसोमेट्रिक से संबंधित। तो इसीलिए हम लोग ज़्यादातर उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं ताकि ये जो पोर्शन है, ये जो मतलब यूनिट्स है, ये आपकी परफेक्ट हो जाए। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा हम लोग फोकस आइसोमेट्रिक के ऊपर ही कर रहे हैं। इसके पहले भी फ्री हैंड स्केचिंग के अंतर्गत मैंने आपको बताया था, फ्री हैंड स्केचिंग का दूसरे नंबर का क्वेश्चन आना बिल्कुल डेफिनेटली पक्का होता है। दो क्वेश्चन आपके पक्के हो गए हैं, एक आइसोमेट्रिक और दूसरा फ्री हैंड स्केचिंग। तो फ्री हैंड स्केचिंग में क्या होता है कि जो आपके टूल्स होते हैं, हैंड टूल्स होते हैं, जैसे थेरी से रिलेटेड फाइल्स, चीजर, ये सारे के सारे माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर, ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इन इंस्ट्रूमेंट का हमको एक डायग्राम बनाना पड़ता है। वो भी कम से कम प्रश्न आता है 10 या 15 मार्क के लिए। तो इसीलिए ज़्यादातर अपना फोकस आइसोमेट्रिक की तरफ है। आज का टॉपिक रहेगा आइसोमेट्रिक से रिलेटेड है। जैसा कि क्वेश्चन दिया गया है ड्रॉ द आइसोमेट्रिक व्यू, तो हमें क्या करना है, आइसोमेट्रिक व्यू को बनाना है। आइसोमेट्रिक व्यू को बनाने के बाद हम क्या करेंगे, उसका थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के अंतर्गत में फ्रंट व्यू, साइड व्यू और प्लान व्यू बनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आइसोमेट्रिक व्यू। जैसा हमेशा की तरह आइसोमेट्रिक व्यू बनाने के लिए सबसे पहले स्टेटोस्कोप सेट अपने पास होना चाहिए, रबर, पेंसिल वगैरह जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं सभी के सभी। और ड्रॉइंग शीट के ऊपर एक बेसिक लाइन बनाई जाती है, यहाँ दिखाई दे रहा आपको बोर्ड के ऊपर एक बेसिक लाइन बनी हुई है। बेसिक लाइन को स्पर्श करती हुई 90 डिग्री की लाइन बनी हुई है। इस प्रकार से 90 डिग्री की लाइन को स्पर्श करती हुई एक लाइन बनाई है अपने राइट हैंड की तरफ, फिर स्टेटोस्कोपिक पोजीशन को चेंज करते हुए दूसरी लाइन बनाई है लेफ्ट हैंड की तरफ। तीन लाइन बनाई है, स्टेप अपनी 1 कंप्लीट हो गई। अब क्या करेंगे, लाइनों का डायमेंशन सेट करेंगे। तो इस लाइन का माप है 40 mm का, लेफ्ट हैंड वाली जो लाइन है इस लाइन का माप भी है 40 mm का। हाइट जो है इसकी ये रखी है 60 mm की, ये 40 का पॉइंट, ये 40 का पॉइंट और यहाँ भी ये 60 का पॉइंट। अब क्या करेंगे, यहाँ से फिर से डायमेंशन के पॉइंट के ऊपर स्टेटोस्कोप को सेट करते हुए एक वर्टिकल लाइन बनाएंगे। यहां से भी एक वर्टिकल लाइन 40 के पॉइंट से इस प्रकार से। अब इनके ऊपर डायमेंशन डालना है, जितना माप बीच की लाइन का है उतना ही माप इसका भी रखेंगे 60 mm का। ये डायमेंशन सेट कर दिए 60 mm का और यहां पर भी डायमेंशन सेट कर देंगे 60। अब बीच वाले 60 mm के पॉइंट के साथ इस प्रकार से लाइन बनाएंगे। यहां से भी इस कॉर्नर को पकड़ते हुए एक लाइन, फिर उसके बाद यहां पे सेंटर को सेट करते हुए 40 mm लंबाई की लाइन बनाएंगे। इसकी लंबाई 40, इसकी लंबाई 40, इसकी लंबाई भी 40 mm ही रखेंगे, ये 40 mm। और एक जो ओपन स्पेस है यहां से इनको ज्वाइन कर देंगे इस प्रकार से, ठीक। अब यहां पे क्या हो गया, कंप्लीटली एक एरिया बना हुआ है आइसोमेट्रिक व्यू को सेट करने के लिए, जगह बनाई गई है। अब इस जगह में हमको आइसोमेट्रिक व्यू को सेट करना है। तो एक्स्ट्रा की तो यहां पर एक आइसोमेट्रिक का अपन ने एरिया बनाया हुआ है। अब इसके अंदर आइसोमेट्रिक को सेट करते हैं। सेट करते हैं, शुरुआत करते हैं इस बीच की लाइन से, नीचे से ऊपर की तरफ लेंगे 15 mm का पॉइंट, यहां से भी ऊपर की तरफ 15 mm का पॉइंट बेस बनाएंगे यहाँ नीचे में। तो ये 15-15 के दो पॉइंट और दोनों पॉइंट को आपस में लाइन से मिला देंगे ये इस प्रकार से, ठीक। करते हैं ऊपर ही सिरे से यहाँ से सामने की तरफ 10 mm का एक पॉइंट लेंगे और यहाँ से इधर 10 mm का पॉइंट। अभी नीचे की लाइन है, अभी नीचे की लाइन से यहाँ से सामने भी 10 mm का एक पॉइंट लेंगे, ये 10। और ऊपर वाली लाइन से इनको आपस में इस प्रकार आग बन रहा है, 10 mm थिकनेस का बन रहा है। अब यहां से ऊपर की तरफ एक माप ले लेते हैं 15 mm का, ये 15 के साथ इसको इस प्रकार से मिला देते हैं, यस। और ये जो बीच की लाइन आ रही है इसको साफ कर देंगे, मिटा देंगे। ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन और ये लाइन, जहाँ जहाँ भी क्रॉस किया हो सभी लाइनों को हमें को मिटाना है, वहाँ उसकी हमें जरूरत नहीं है, ये मिटा देंगे यहाँ से। मिटाने के बाद में ये शेप अपने को दिखाना है और ये शेप दिखाने के बाद में इस लाइन की लंबाई, इस लाइन की लंबाई जहाँ देखते हो 40 mm है,
तो इसका सेंटर निकालेंगे, 40 एमएम की लंबाई का सेंटर 20 एमएम पे, और 20 एमएम के पॉइंट के ऊपर यहाँ पे अपन ए बी का सेंटर लिए, यहाँ पे सेटस पे को वर्टिकल पोर्शन से सेट करेंगे इस प्रकार से, और एक सेंटर लाइन बनाएंगे। यस ठीक, सेंटर लाइन बनाने के बाद ऊपर से नीचे की तरफ फिर से एक पॉइंट लेंगे सेंटर लाइन के ऊपर 30 एमएम का, ये 30 एमएम का पॉइंट, और सेटस पे को इस पोजीशन में सेट करेंगे इस प्रकार से, और फिर से सेंटर लाइन बनाएंगे ये इस प्रकार से। ठीक, ये सेंटर लाइन हो गई, 40 की लाइन है, 40 का सेंटर निकाले, सेंटर लाइन बनाया 20 पे, फिर उस सेंटर लाइन के ऊपर ऊपर से नीचे की तरफ 30 एमएम का पॉइंट लिए, तो 30 एमएम के पॉइंट से ये आड़ी सेंटर लाइन बनाए। यहां तक अब क्या करना है, सेंटर पॉइंट से 20 का माप इधर लेना है, 20 का माप इधर लेना है, 20 का माप इधर लेना है, 20 का माप इधर लेना है। तो यहां से एक सेंटर निकाला हमने 20 के ऊपर, 20 का सेंटर लिए, सेंटर लाइन बनाए, फिर उसी सेंटर लाइन के ऊपर 30 एमएम का पॉइंट लिए, तो ये आड़ी सेंटर लाइन बनाए। आड़ी सेंटर लाइन बनाने के बाद फिर इस पॉइंट से सेंटर पॉइंट से 10 का माप इधर लेना है, 10 का माप इधर लेना है, 10 का माप ऊपर की तरफ, 10 का माप नीचे की तरफ। अब चार पॉइंट हो जाएंगे 10-10 एमएम के, यहाँ पे एक सर्कल बनाना है, एलिप्स बनाना है, तो उसके लिए ये पॉइंट की कोशिश कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पर हमने पॉइंट किए वहाँ से उसको वर्टिकल पोजिशन में सेट करते हुए इस पॉइंट से एक लाइन बनाएंगे, फिर इस पॉइंट के ऊपर सेट करते हुए एक लाइन बनाएंगे, फिर उसके बाद सेटस को इस पोजिशन में सेट करना है, ऐसे यहाँ से फिर एक लाइन, फिर ये ऊपर के पॉइंट के ऊपर सेट करते हुए यहाँ से एक लाइन, यस, और अतिरिक्त जो लाइन है उसको मिटा देंगे, ये जो एक है ये कॉर्नर के साथ और ये कॉर्नर के साथ अपने को वर्क करना है ना। तो वर्क एलिप्स बनाने के लिए जो मेथड होती है उस मेथड का वो यूज करते हुए यहाँ से क्या करेंगे, ये सेंटर लाइन का पॉइंट और ये कॉर्नर का पॉइंट, इसको आपस में इस प्रकार से सेटस करके एंगल में लेंगे और एक छोटी सी लाइन बनाएंगे इस टाइप से, फिर इस कॉर्नर को इस प्रकार से यहाँ सेटस को सेट करेंगे, और ये छोटी सी लाइन यहाँ पे क्रॉस पॉइंट मिलेगा आपको, वर्किंग पॉइंट मिलेगा। ठीक, फिर ये कॉर्नर के साथ ये यहाँ पे ये ऐसे सेटस स्क्वायर को कॉर्नर के साथ मिलाते हुए यहाँ पे एक ये लाइन बनेगी छोटी, फिर ये सेंटर लाइन का पॉइंट और ये कॉर्नर का पॉइंट, इनको इस एंगल में पकड़ना है, और यहाँ से ये छोटी सी लाइन यहाँ पे वर्किंग पॉइंट प्राप्त हुआ है। और वर्किंग पॉइंट प्राप्त होने के बाद से एक सर्कल बनाना है, यहाँ पे एलिप्स बनाना है, ये मेथड सभी को पता है, इसके पहले अपन ने पढ़े है इसको, इस टाइप से यहां से ऐसे। ठीक, थोड़ा सा इसको अपन सेट कर लेते हैं ये ऐसा। अब यहाँ पे हाफ सर्कल बनाया हमने, आधा एलिप्स बनाया है, एक्स्ट्रा का जो लाइनें वगैरह चिन्ह वगैरह मार्क वगैरह उसको अपन मिटा, ये स्टेज पर पहुंचे अपन, सर्कल बनाए, सर्कल बनाने के बाद इसके बाहर की जो लाइनें से भी साफ कर लिए उसको मिटा दिए, है ना, इस टाइप से लिखना चाहिए जो बनने पर। अब उसके बाद क्या करेंगे, इस पॉइंट के ऊपर जो बीच का पॉइंट है, दोनों सेंटर लाइन के बीच का पॉइंट, उस पॉइंट के ऊपर सेंटर स्क्वायर को इस प्रकार सेट करेंगे 30 डिग्री के ऊपर, और एक लाइन बनाएंगे ये वाली जिसकी लंबाई 20 एमएम की रखेंगे, इस लाइन की लंबाई अपने को इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक 20 एमएम की रखना, ये 20 एमएम की लाइन आ जाएगी। उस लाइन के बाद फिर सेंटर स्क्वायर को उस लाइन के कॉर्नर के ऊपर, मतलब जहाँ पे 20 एमएम का पॉइंट है वहाँ पे इस पोजीशन में सेट करना है, वर्टिकल पोजीशन में, और एक सेंटर लाइन बनाना है इस प्रकार से, जो सेंटर लाइन बनी है इस प्रकार से एक सेंटर लाइन बनाएंगे अंदाज से। फिर उसके बाद सेट स्क्वायर को उसी पॉइंट के ऊपर इस एंगल में लगाएंगे 30 डिग्री के एंगल में, और एक लाइन दूसरी सेंटर लाइन इस प्रकार से बनाएंगे। ठीक, अब दो सेंटर लाइन बन जाएगी, जो सिस्टम यहाँ पे किए थे, जो मेथड यहाँ पे किए थे वही मेथड से यहाँ पे भी चलाना है। फिर उसके बाद सेंटर पॉइंट से 10 का माप ऊपर, 10 का माप इस साइड, 10 का माप इस साइड, और 10 का माप इस साइड, है ना, चार पॉइंट ले लेंगे। फिर चार पॉइंट लेने के बाद क्या करना है, जिस मेथड से ये एलिप्स बनाए थे उसी मेथड से यहाँ पर भी बनाना है। तो फिर क्या करना है, इस पोजीशन में सेटस को सेट करेंगे वर्टिकल पोजीशन में, एक लाइन बनाएंगे
फिर दूसरे पॉवर के ऊपर सेट करेंगे वर्टिकल पोजिशन में, दो वर्टिकल पोजिशन में एक लाइन भी बनी चाहिए। फिर उसके बाद ऊपर के पॉवर में इस प्रकार से इसको सेट करेंगे 30 डिग्री के एंगल में एक लाइन, और नीचे वाले पॉइंट के ऊपर 30 डिग्री के एंगल में सेट करते हुए ये एक लाइन इस प्रकार से, ठीक। एक्स्ट्रा की लाइन यहाँ से साफ करना है, ये जो वर्क करेंगे ये थोड़ा सा मध्यम लाइन से करना है, लाइट लाइन से करना है, डार्क लाइन से नहीं बनाना है इसको, इसको भी मिटा देते हैं। हाँ, अब उसके बाद वही मेथड पॉइंट निकालने की, इस कॉर्नर से काम करेंगे एक सेटअप, एक कॉर्नर लाइन निकालेंगे यहाँ से, बंद बंद कर लूँगा, ठीक। यहाँ ये एक वर्किंग पॉइंट है, ये कॉर्नर का वर्किंग पॉइंट और ये कॉर्नर का वर्किंग पॉइंट। अब इसके बाद यहाँ पे हमें कंपास का यूज करना है, कंपास में सेट पेंसिल को अच्छी तरह सेट करना है। सेट करने के बाद इतना मेजरमेंट लेंगे एक छोटा सर्कल यहाँ से, फिर वही माप सामने वाले इसमें, फिर एक छोटा सर्कल, फिर इस कॉर्नर से इतना मेजरमेंट, ये थोड़ा सा बड़ा सर्कल बन जाएगा, फिर नीचे वाले कॉर्नर के ऊपर रखेंगे ये इस प्रकार से। यहाँ पे एक फुल एलिप्स बनाएंगे, नीचे में हाफ बनाए थे, सामने में फुल बनाएंगे। अब इसमें क्या करना है आपको, थोड़ा सा इसको सफाई करना है, इसकी फिनिशिंग करना है अच्छे से इस टाइप से। एक नीचे में हाफ सर्कल छोटा एलिप्स और आधा एलिप्स और सामने में बड़ा एलिप्स बनाएंगे। अब क्या करेंगे, ये जो किनारे होते हैं इसके सर्कल के जो किनारे थे, ऊपर वाले किनारे, यहाँ का एक किनारा, इसका एक किनारा, यहाँ का एक किनारा, सामने वाली एक साइड किनारा, उन किनारों को स्टेथोस्कोप के अंतर्गत इस प्रकार से सेट करते हुए इनको लाइन के रूप में ड्रॉइंग करेंगे ऐसे। फिर नीचे वाले को जॉइंट समझ में नहीं आना चाहिए कि अपन इसको जोड़े लेकर के यस, और अंदर में आने वाला जो ये वाला भाग है इसको साफ कर लेंगे, वो दिखना नहीं चाहिए इस प्रकार से ठीक। यहाँ पे कैसे दिख रहा है, ड्रम दिख रहा है। अब इस कॉर्नर के ऊपर सेटेस्कोप को लगा लेना है इस पोजीशन में, और एक सीधी लाइन यहाँ पर बनाना है यस। फिर उसके बाद इस कॉर्नर को, ये इस कॉर्नर को सेटेस्कोप को लगाएंगे इस पोजीशन में, और एक लाइन यहाँ जॉइन करेंगे इस प्रकार से ठीक। अब ये ओपन स्पेस है, इस ओपन स्पेस के ऊपर भी स्टेथोस्कोप को इस पोजीशन में सेट करेंगे 30 डिग्री में, और यहाँ से ये एक लाइन बना देंगे, मतलब इसको इस प्रकार से दिखाई देगा ये कंप्लीट है। अब इसके बाद क्या करेंगे, थोड़ा सा वर्क बचा हुआ है, यहाँ से इस लाइन के ऊपर एक 10 एमएम का पॉइंट लेंगे, इधर सामने की तरफ 10 एमएम का ही पॉइंट ले लेंगे, ये 10 का पॉइंट, 10 के पॉइंट के ऊपर स्टेथोस्कोप को वर्टिकल पोजीशन में 90 डिग्री में सेट करेंगे ये इस प्रकार से। इस लाइन की लंबाई 5 एमएम की रखेंगे, ये 5 एमएम, यहां से ऊपर की तरफ एक पॉइंट लेंगे 5 एमएम का ऐसे, और ये लाइन से 5 के दोनों पॉइंट को आपस में ऐसे मिला ठीक। मिलाने के बाद वहां पे क्या दिखा रहा हूँ, खांचा बनाया हुआ दिखा रहे हैं ये। अब क्या करना है, यहाँ का यहाँ से वर्क करेंगे, तो यहाँ से वर्क कर लेंगे अपने को, यहाँ से इधर 10 एमएम, यहाँ से सामने की तरफ 10 एमएम, और नीचे की तरफ 20 एमएम का पॉइंट लेंगे, ये 20 का पॉइंट और ये 10 का पॉइंट, इधर भी 10 ले लेता हूँ, लाइन सीधी बन जाएगी ये इस प्रकार से, ये 10 और यहाँ से ये 20 का पॉइंट, ये इस प्रकार से, और ये 10 का पॉइंट से ये एक लाइन इस प्रकार से। फिर ये बीच की लाइन को मिटा देंगे यहाँ से, इतना भाग काट देंगे
काटने के बाद तो यहां पे इस प्रकार से कंप्लीटली अपना यहां पे आइसोमेट्रिक व्यू अपन ने तैयार किया है। इस प्रकार से बनने के बाद उसका जो शेप है उसका जो आकार है इस प्रकार से दिखाई देगा। एक प्रकार का ये मान के चलते अपन की जैसे मस्टर जो पार्ट्स होते हैं वो है, और इसका क्या करेंगे अभी थर्ड एंगल पोजिशन ड्रॉ आइसोमेट्रिक व्यू, इसको थर्ड एंगल पोजिशन में थर्ड एंगल पोजिशन में इसको इसकी फ्रंट साइड एंड टॉप टॉप व्यू है ना, थर्ड एंगल पोजिशन के अंदर इसके फ्रंट व्यू बनाना है, साइड व्यू बनाना है और टॉप व्यू बनाना है। डायरेक्शन दिया है ई से, इसको चिन्हित किया गया है ई से, चिन्हित किया गया है ई का मतलब होता है एलिवेशन, एलिवेशन फ्रंट एक ही होता है, तो इस दिशा से डायरेक्शन दिया है कि इधर से अपने को फ्रंट बनाना है, और फ्रंट बनाने के बाद और साइड बनाने के बाद टॉप बनाने के बाद इसके जो आप बनाओगे तो उसके जो मतलब जो उसका जो डायग्राम रहेगा ड्राइंग शीट का उसका फोटो लेके आपको जो अपना ग्रुप होता है उस ग्रुप के ऊपर आपको देख देना है, ताकि हम उसको देखें और देखने के बाद ये पता लगाए कि किसने कितना अच्छा बनाया है और किसने गलत बनाया है। तो आज के लिए बस इतना ही, इसके बाद और अगले वीडियो में मैं आपके लिए कुछ स्पेशल लेके आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।